हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत क्या दिन खत्म होने वाला है? 6 o'clock होने वाला, 5:30 हो गया जी। ओके, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आयान ने आज का पहला रोजा रखा है। तो आज आयान की हम करेंगे पहली रोजा इफ्तारी जी। शूज नहीं पहने, नहीं जाना है कहीं भी। और उसके लिए वो क्या बोला, आज उसने सडनली सुबह प्लान किया। तो वो सुबह सहरी के लिए उठा और बोला मुझे भी रोजा रखना है। तो मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, फिर वो सीरियस था थोड़ा। तो फिर उसके लिए मैंने पराठे, अंडे बनाए, ऑमलेट पराठे के, चलो खाओ और फिर अच्छे से रोजा रखेंगे। उसने कुछ भी नहीं खाया, एक बाइट खाया और नहीं मम्मा मुझसे नहीं खाया जा रहा। फिर क्या खाना है तो फिर सोचा है, फिर मैं चाय पी रही थी तो बोला कि ठीक है मुझे चाय और टोस्ट दे दो। तो दो रस्क वो खाया सिर्फ चाय में। और फिर मुझे लगा नहीं, रोजा तो रखना नहीं है। तो हमने बोले ठीक है जाओ सो जाओ, फिर जाके पानी वानी कुछ नहीं पिया, बस ऐसे जाके सो गया। सुबह उठा है 11 बजे और फिर बोला कि मेरा रोजा है, मैंने कुछ नहीं खाना है, मैंने मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। तो फिर हमको लगा फिर भी 2 बजे तक ऐसे ही देखते हैं टाइम पास के, वो रोजा तो रहना नहीं है। पर वो सीरियस था, वो अभी भी रोजे, वो 3 बजे तक भी रोजे में था और कुछ खा नहीं रहा था, कुछ नहीं कि नहीं मेरा रोजा है। फिर हमको लगा कि नहीं है, उसका इतना पक्का इरादा है तो फिर कंटिन्यू करते हैं उसका रोजा। तो फिर अब सडन प्लान बना तो उसमें किसी को इन्वाइट भी नहीं कर सकते और प्रिपरेशन भी नहीं होगी इतनी जल्दी। तो फिर हमने सिर्फ बच्चों की एक स्टार पार्टी रखी है। तो अब आएंगे आया के फ्रेंड्स 1 घंटे में। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा आइटम्स तो हमने बाहर से लेने, क्योंकि कुछ बच्चों की अलग चॉइस होती है, कुछ की अलग होती है। तो पिज़्ज़ा बर्गर ये तो सबकी कॉमन चॉइस है, तो ये खा लेंगे बच्चे। तो हमने ये सब कुछ ले लेना है। तो अभी मैं घर की थोड़ी बस, और मैंने कुछ कुछ आइटम घर में भी बनाए, जैसे कि मैंने डोनट बना दिया है और मैं फ्रूट चाट अभी बनाऊँगी और कुछ कुछ थोड़े बहुत कुछ आइटम हैं जो मैं घर में लास्ट मिनट में जो बनाने वाली हूँ। और मेन है मुझे केक बनाना है, तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसके लिए मैं बाहर भी जाऊँगी थोड़ी देर के बाद बस। और बहुत सारी लिस्ट हैं अभी, वो धीरे धीरे करते हैं। और मेन खाना तो बाहर से आने वाला है तो उतना मुझे टेंशन नहीं है। तो अब पहले थोड़ा सा घर का हालत ठीक कर लेते, थोड़ा घर को वैक्यूम कर लूँ, क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर बाहर निकलते। अयान दोस्तों का इंतजार किया जा रहा है। हेलो अयान, फ्रेंड्स को कुछ बोलना है? आज रोजा है तुम्हारा, कैसे जा रहा है रोजा? अच्छा जा रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कुछ? और एक्साइटमेंट है दोस्तों के आने का? ओके चलो जल्दी जाके शावर ले लो और कपड़े चेंज कर लो जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, ठीक है? जाओ। देखो दोस्तों का इंतजार करते खड़ा हुआ था जब से। एक फ्रेंड को मैंने थोड़ा पहले बुला लिया था कि थोड़ा आ जाओ तो उसके साथ खेलेंगे, और उसका बाहर जाने का भी कोई मूड नहीं है। और मुझे कुछ सामान लेना है और मेन नए कपड़े लेने, वैसे कपड़े तो बहुत है, नए कपड़े भी घर में बहुत है, पर है कि है स्पेशल दिन तो खरीदे, देखूंगी अगर मिले तो, नहीं तो फिर घर में तो नए कपड़े सारे, नए कपड़े ला के रखे हुए हैं क्योंकि हमको और भी कुछ प्लान्स है। तो उसके लिए भी हमने कुछ कुछ नए कपड़े ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो देखते हैं अगर कुछ मुझे बाहर ठीक मिले तो लूँगी, या तो फिर घर में तो है उसके लिए नए कपड़े। तो चलो फिर करते हैं पहले थोड़ी सफाई और फिर मिलते हैं। ये देख लो मीठा के काम, फिर डांट हमको पड़ती है। हाँ मीठा करती तुम हो, फिर डांट हमको मिलती है। ये देखो सफाई भी कर रही है अब, यहाँ भी और कहीं था एम गुस्सा कर रहा था। ये देखो आया नहीं, काम कभी नहीं किया। दो इधर गिव मी दैट लिक्विड, ये भी खत्म हो रखा है, ये लो।
इफ्तार पार्टी और अब हम जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए कुछ बच्चों को। जी बेटे हाय, देखो लोगों की मस्ती वीकेंड्स वाला। हाँ मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। फैमिली एकदम शॉर्ट शॉर्ट में हो गया सारे, क्योंकि खाना सब बाहर से आ गया था और मेरे एक छोटा सा केक जल्दी जल्दी बना लिया था, फटाफट वाला। फिर बस बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किए, है ना। कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात तो यकीन नहीं हुआ कि आयान का रोज़ा हो गया। मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर करेंगे। और पता नहीं उसको कहाँ से हिम्मत आ गई, उसके अंदर ऐसा लगा कि तैयार हो गया। देखो हाँ, क्या बोले थे, खुशी मालूम हुई आज उसका पहला रोजा था, अच्छा लिखा था, खुश खुश हो गया हम लोग भी। सरप्राइज था हमारे लिए भी कि रख लिया उसे। ये कितना अच्छा डेकोरेट किया, समर स्टार्ट हो गया ना तो ये लोग रोज़ यहाँ फूल बदलते, रोज़ नहीं बदलते, हर तीन चार दिन में बदलते, या वीक में बदलते होंगे। इधर ये राठ हाउस है, तहसील जिसे हम बोलते हैं, तहसील ऑफिस। ये भी भाग रही है, पकड़ मुश्किल है। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।